भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 माह में विपक्ष की भूमिका में रहते हुए पहली बार कमलनाथ सरकार की नाकामियों के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में शिवपुरी में भी घंटानाद कार्यक्रम के तहत भाजपाइयों ने शहर की सड़कों पर उतरकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव का आगाज किया। घंटानाद कार्यक्रम की शुरुआत में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जमकर कांग्रेस भगाओ मध्य प्रदेश बचाओ के नारे लगाए। आपने ज्ञापन पढ़ते हुए जिलाध्यक्ष को सुना ना कि विफलता हमारी कांग्रेस वाली सरकार की जो विफलताएं हैं जो हम उनको जगाना चाहते हैं कि हम उनको जगाना चाहते हैं जो आज मध्य प्रदेश की स्थिति निर्मित हो रही है, या तो इसका कुछ करो या निकलो। और हम तो सोचते हैं कि अब निकलने का समय आ गया है, भगाने का समय आ गया है। इसीलिए आज पूरे मध्य प्रदेश व्यापी ये आंदोलन चल रहा है, जिले जिले में और लोगों के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि हम जनता को भी कहना चाहते हैं कि हम संघर्ष करने वाले हैं और ये हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि बस ऐसी खुली छूट, करप्शन की खुली छूट, सारी चीज़ों की खुली छूट ये हम नहीं अलाउ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में घंटा शंख मजीरा लेकर भाजपाइयों द्वारा कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, शिवपुरी।